हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और बड़ा ही कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि इस बार के इंडियन आइडल में आपको फाइनली देखने को क्या मिलने वाला है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम यही बात कर लेते हैं। लास्ट जो वीकेंड गया उसमें जनरली दिखाया तो ये जाता है कि एक टीज़र कर दिया जाता है कि अगले हफ्ते आप ये देखेंगे। ऐसा इस बार नहीं हुआ। सर्टनली सभी लोग सोच में थे कि फाइनली किसको, कौन आने वाले हैं, किसको दिखाया जाने वाला है। तो चलिए आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। इस बार म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण, जिनमें श्रवण जी की हाल ही में इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोरोना, बस उसी का ध्यान रखते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है श्रवण जी को। श्रवण जी ने कुमार शानू जी और अनुराधा पौडवाल जी, इनके साथ बहुत सारे गाने गाए हैं, और रूप कुमार राठौर जी, इन तीनों को स्पेशली इसी श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया जा रहा है। अब सिंपल बात है, रूप कुमार राठौर जी जो हैं वो इसलिए भी आ रहे हैं, एक तो वो बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका अपना बहुत बड़ा नाम है, और श्रवण जी के भाई हैं वो, और इसलिए वो आए हैं। और इन दोनों यानी कि अनुराधा जी और कुमार शानू जी बहुत सारे गाने गाए हैं इन्होंने, तो इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा है। तो इस वीकेंड आपको 90s में नदीम श्रवण जी के जो गाने और म्यूज़िकली हिट फिल्म्स रही हैं उसके गाने आपको सुनाए जाएंगे। यहाँ पर सिंपल ये बताती हूँ कि इसमें जो वो दौर था 90s का, उस समय बहुत म्यूज़िक ने अलग टर्न लिया था। टी सीरीज़ ने एक नई धारा शुरू की थी जिसमें कि बहुत सारे नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और एक के बाद एक बेहतरीन गाने वाली फिल्म्स, म्यूज़िकल फिल्म्स भी बनाई गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का गाना सुनना है। और जो आप सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अरुदीप यानी कि पवनदीप और अरुणिता का कौन सा गाना आएगा या नहीं आएगा, तो चलिए मैं तो आप लोगों की तरफ से दुआएं करती हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए और पवनदीप और अरुणिता का कम से कम एक सॉन्ग तो हो ही जाए। बहुत टाइम से डुएट नहीं सुना, आपका क्या कहना है, आप कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं इन दोनों के लिए, ज़रा मुझे लिख कर बताइए। जय हिंद।